नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला में खंडर बना घर कर रहा है दुर्घटना को आमंत्रण। चैनपुर प्रखंड के एमएलए रोड के पास शिशु मंदिर स्कूल जाने वाले रोड से सटे बंद पड़े घर का दीवार कभी भी गिर सकता है। कई वर्षों से बंद पड़े इस घर की दीवार रोड की तरफ झुक गई है और ये गली रोड होने के कारण अति व्यस्त रहता है। अगर इस दीवार को समय पर नहीं गिराया जाता तो कभी भी अनहोनी हो सकती है। इधर आसपास के लोगों ने बताया कि 20 वर्षों से लगभग ये घर बंद है, इसमें कोई नहीं रहता, जिसके कारण ये खंडर में तब्दील हो गया है। जिस तरह से दीवार रोड की तरफ झुकी हुई है वो कभी भी गिर सकती है। घर के मालिक भी कहीं बाहर रहते हैं। आपको बताते चलें कि जो दीवार है वो मिट्टी की है और इस बरसात के मौसम में अधिक वर्षा होने पर दीवार गिर सकती है और कभी भी गिर सकती है। साथ ही इस दीवार से सटकर बिजली का खंभा और कनेक्शन का तार भी गया हुआ है। गुमला जिला ब्यूरो राजन पांडे की रिपोर्ट। कहना यही है कि प्रशासन इसे ध्यान देके काम को करवाए, मतलब उनको नोटिस दे जिनका घर है उनको। यहाँ पे बच्चे लोग आते जाते हैं शिशु मंदिर से, यहाँ पे प्रॉब्लम यही कि आते जाते 12 बजे रात को भी कोई भी पेशेंट भी अगर आए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, घर गिर जाएगा। बारिश का दिन, बरसात का दिन है, घर गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा दुर्घटना यहाँ पे घर गिरने वाला, ऐसा घर गिर रहा है कि मतलब कभी भी गिर, बीच बस्ती में 24 घंटा यहाँ आदमी आता जाता है, बच्चा खेलता है, मोहल्ला मैदान यहीं पे शिशु मंदिर मैदान है बगल में, आने जाने में प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब कर सकता है ना, वो तो यहाँ घर छोड़ के कहीं रामगढ़ में है, उसका घर वहाँ कोई बनाया होगा तो वहीं होगा। लगभग 20 साल से वही प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब 20 साल से वो नहीं है यहाँ। क्या नाम है? सुंदरम कुमार केसरी।